Hello everyone, I am Hina. And I am Kirti. We are educators at Gyanpriti School. तो बच्चों, अपने आसपास कितने सारे लिविंग बींग्स हैं इसके बारे में क्या आपको पता है? जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स और इसके अलावा भी कुछ लिविंग बींग्स है क्या? प्लांट्स. प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग बींग्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ प्लांट्स. जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सामने ये पिक्चर है एक बहुत बड़े ट्री का. अभी आप इसके फीचर्स के बारे में सोचिए. आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और ध्यान से ट्री को देखिए, उस पे आपको क्या क्या दिख रहा है. एज वी सी, इसका जो ट्रंक है बहुत ही ज्यादा थिक है और ये ट्री बहुत टॉल है. और इसके बहुत सारे ब्रांचेस भी हैं. उन ब्रांचेस पे क्या क्या दिख रहा है आपको? लीव्स, फ्रूट्स. मैं आपको एक और ट्री दिखाती हूँ. आपका सबसे फेवरेट ट्री, जब आप स्कूल में आते हो तब उस पे चढ़ने में आप सबको बहुत मजा आता है. वाओ, गुलमोहर ट्री. इस गुलमोहर के पेड़ के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स हैं. और बहुत सारी ब्रांचेस भी, और इसका जो ट्रंक है वो भी काफी थिक है. तो अब हम ट्री की सारी प्रॉपर्टीज को एक बार रिवाइज करेंगे. दे हैव थिक एंड वुडी ट्रंक एंड दे ग्रो वेरी बिग एंड टॉल. इनकी जो टहनियां हैं उन टहनियों पे बहुत सारे पत्ते होते हैं, फूल होते हैं और फल भी लगते हैं. As we have seen the picture of mango tree and gulmohar tree, इसके अलावा भी बहुत सारे पेड़ आपको आपके आसपास मिल जाएंगे, जैसे कि पीपल ट्री, नीम ट्री, इमली, बैनियन. अब हम मैम अगले प्लांट का एक पिक्चर देखें. या श्योर. Now we have the picture of rose plant. अब आप इस पिक्चर को ऑब्जर्व करिए एंड ट्राई टू थिंक अबाउट द फीचर ऑफ दिस प्लांट. इसका स्टेम कैसा है? बहुत ही थिन है पर बहुत हार्ड है. और क्या ये आपको ट्री इतना बड़ा दिख रहा है? नो, इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द ट्री. अब हम एक और प्लांट को देखते हैं. आप सभी ने ये विद्या का पेड़ तो देखा ही होगा. इसे डेकोरेटिव श्रब कहा जाता है. इसके ये आपको एक साइज में ट्री से काफी छोटा दिख रहा है, पर ये कितने बड़े हो सकते हैं? ये आपके जो मम्मी पापा हैं उनकी हाइट तक के भी ये बड़े हो सकते हैं. जैसा कि हमने पहले देखा कि ये ट्री से जो है नॉर्मल बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं हाइट में. और ट्री की हाइट तो आपके घर के इतनी हाइट की भी हो सकती है, या फिर आप फ्लैट में रहते हैं तो सेकेंड या थर्ड फ्लोर तक की भी हाइट ट्री की होती है. लेकिन ये जो हमारे प्लांट्स हैं जिन्हें श्रब्स कहा जाता है, इनकी हाइट ज्यादा से ज्यादा आपके मम्मी पापा की हाइट तक बढ़ सकती है. Now we'll discuss the features of shrub. They are smaller than tree in size. They have hard stem and branches. अभी हमने रोज का पिक्चर देखा था और डेकोरेटिव श्रब का पिक्चर देखा था. इसके अलावा आपकी फेवरेट सब्जी भिंडी, जैस्मिन, टोमेटो, ब्रिंजल भी श्रब की कैटेगरी में ही आते हैं. अब हम अगले प्लांट्स को देखेंगे. ये क्या है? तुलसी. ये तो आपके आपको सबको अपने आसपास दिखती है. हमारे घरों में भी तुलसी होती है सब जगह पे. आप इसे ऑब्जर्व कीजिए और देख के बताइए कि इसका स्टेम और ब्रांचेस कैसे दिख रहा है. ये साइज में बहुत छोटा है. कितना छोटा हो सकता है मैम? ये आपकी पाम से लेके आप छोटे बच्चों के हाइट तक बढ़ सकते हैं. और एक हम प्लांट देखते हैं.
वाओ मिंट, इसे तो हम किचन में भी यूज करते हैं। कितनी, अब हम इसको छाछ में डालते हैं, पुदीने की चटनी बनाते हैं। और इनकी जो स्टेम्स हैं वो बहुत ही थिन हैं। वो इतनी सॉफ्ट होती है कि हम हाथ से भी उन्हें तोड़ सकते हैं। Now we'll discuss the features of herbs. They are smaller than shrub in size. They have soft stem and branches. अभी आपने मिंट और तुलसी के पिक्चर्स देखे। इसके अलावा कोरिएंडर, मेथी और जो दाल हम उगाते हैं उनके भी आपको हर्ब्स के ही फॉर्म में प्लांट्स मिलते हैं। तो क्या हम इन्हें किचन में यूज करते हैं मैम? हाँ, हम बहुत सारी हर्ब्स को हमारे खाने में अलग अलग डिशेस में यूज किया जाता है। एंड दे हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आल्सो, जिससे हमें रेगुलर बेसिस पे बेनिफिट्स मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू।